हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसी ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूबर है तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मोस्ट ऑफ यूट्यूबर यानी कि हर एक यूट्यूबर इस एप्लीकेशन का यूज़ करता ही है। तो अगर आपने ऐसा कुछ एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है, कैसा है ये वीडियो, कैसा इसके अंदर फीचर्स रहेगा, कैसा है इसका एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो गाइस, अगर आप यूट्यूबर है तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है जो कि है YT स्टूडियो। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो मैं आपको बताता हूँ इसको ओपन करके किसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आप इस YT स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएगा, ये इसका पहला पेज है जो आपको हमेशा दिखेगा। तो इसमें आपको दिखेगा सबसे पहले आपके चैनल का नाम। यहाँ पे अगर क्या जब फर्स्ट टाइम चालू करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल बनाया है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो आपका ये पेज खुल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखाएगा आपके चैनल का नाम, उसके बाद दिखाएगा आपका यहाँ पे सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर के बाद यहाँ पे जब आएगा तो एनालिटिक्स दिखाएगा लास्ट 28 डेज का, जिसके अंदर यहाँ पे कवर करता है ये वॉच टाइम, व्यूज, सब्सक्राइबर चेंज, योर एस्टिमेटेड रिवेन्यू, ये कवर करता है इसके अंदर। व्यू मोर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको नीचे बताता हूँ कि यहाँ पे जो वीडियो आप जो डालते हैं लेटेस्ट वीडियो उसका रेटिंग दिखाता है, यानी कि 10 वीडियोस में आपका रेटिंग क्या आ रहा है इस वीडियो का, तो वो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे व्यूज़ दिखा देगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन दिखा देगा, वॉच टाइम, और यहाँ पे तीन वीडियो दिखाएगा। आप यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी वीडियोस है वो सारी वीडियोस यहाँ पे दिखाएगा। ओके, अब इस हाथ में आपको नीचे देखें तो यहाँ पे कमेंट्स दिखाएगा। व्यू मोर पे जाएंगे तो आपको पूरा कमेंट्स यहाँ पे दिखेगा। तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे आप एनालिटिक्स में, तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से आपके चैनल के बारे में बता देगा कि यहाँ पे रियल टाइम व्यूज़ क्या है, यानी कि लास्ट 48 आवर्स में आपको कितना व्यूज़ मिला है सारे वीडियोज़ को लेके, वो इसे बताने वाला है। इस पर आप क्लिक करके आप यहाँ पे लाइफ टाइम का भी देख सकते हैं कि लाइफ टाइम में आपको टोटल व्यूज़ कितना है, वो सारी चीज़ में दिख सकती है। यहाँ पे दिखाता है कि लास्ट 48 आवर्स में आपका जो 5 वीडियो है वो कितना कितना व्यूज़ आया है वो दिखाएगा। यहाँ पे वॉच टाइम दिखाएगा, वॉच टाइम पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे लास्ट 28 डेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग मंथ के हिसाब से भी है, आप कौन से मंथ में कितना व्यूज़ आया, कितना मिनट्स मिला है आपको वो भी देख सकते हैं। लाइफ टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइफ टाइम का दिखाएगा कि लाइफ टाइम में आपने कितना मिनट्स आपका वीडियो देखा गया है, वो भी इसमें दिखाएगा। व्यूज़ में दिखाएगा सेम चीज़, एवरेज व्यू ड्यूरेशन दिखाता है, एस्टिमेटेड रिवेन्यू दिखाता है, ये लास्ट 28 डेज का। इस पर आप क्लिक करके आप लास्ट 28 डेज पे क्लिक करके लाइफ टाइम का भी देख सकते हैं कि आपने अभी तक कितना का पैसा कमाया है यूट्यूब से, वो भी दिखा देगा। और साथ में इसमें सब्सक्राइबर चेंज कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो भी दिखाएगा आपको। और साथ में यहाँ पे आपको दिखाता है लाइक्स एंड डिसलाइक का, कि आपके चैनल पे कितने लाइक्स एंड डिसलाइक का परसेंटेज बन रहा है वो दिखाता है। और साथ में यहाँ पे दिखाएगा आपको टॉप वीडियोज़ के, जो आपका लास्ट 28 डेज में टॉप वीडियोज़ रहेगा उसका यहाँ पे रेटिंग दिखाएगा। रिवेन्यू में जाएंगे आप तो रिवेन्यू में आपका रिवेन्यू के बारे में पूरा दिखाएगा। यहाँ पे 4 टाइप्स के एड्स होते हैं, वो एड्स आपके वीडियो पे कितने कितना परसेंट आया है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला, टॉप अर्निंग वीडियो दिखाएगा इसके अंदर। ओके, साथ में डिस्कवरी में जाएंगे तो इंप्रेशन कितना आया आपके वीडियो पे, क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है वो सारी चीज़ में बताएगा। ट्रैफिक सोर्स क्या है, किस किस तरीके से आपका आपके वीडियो पे ट्रैफिक आ रहा है वो चीज़ यहाँ पे दिखाती है। सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है, यूट्यूब सर्च से आ रहा है, और टॉप एक्सटर्नल सोर्स से आपको कितना व्यूज़ मिला है वो यहाँ पे दिखाता है कि सबसे पहले नंबर पे व्हाट्सएप है, गूगल सर्च, फेसबुक, यूट्यूब। ओके, और साथ में यहाँ पे ऑडियंस पे जाएंगे तो ऑडियंस में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि मेल जो सब्सक्राइबर है आपके कितने हैं और फीमेल कितने हैं वो परसेंटेज में दिखाएगा। यहाँ पे एज दिखाते हैं कि कितने से कितने एज वाले लोग आपको सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। टॉप कंट्रीज दिखाएगा, आपकी वीडियो कौन कौन सी कंट्री में देखी जा रही है, वो सारी चीज़ आपको इसमें दिख जाएगा, प्लेलिस्ट का दिख जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसका होना आपके पास ज़रूरी है अगर आप एक यूट्यूबर है। तो गाइस, ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप यूट्यूबर हैं और ये एप्लीकेशन आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।